Am I audible to all? Am I audible? Students, if I am audible, please reply me. चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा क्लास कोऑर्डिनेशन। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़े थे वो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, लेकिन उसके पहले जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है सब जन एक बार वहाँ पे कुछ मैसेज कर दीजिए, सो दैट आई नो हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट ओवर हियर, एंड ऑल्सो लाइक द सेशन, सो दैट आपके लाइक से आपकी अटेंडेंस लग जाएगी और मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप में से कितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर टुडेज क्लास। इन लास्ट क्लास वी हैड स्टार्टेड विथ अवर टॉपिक कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने देखे थे कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन इज़ द इंटरडिपेंडेंस इन वर्क सिचुएशन, ये हमने देखे थे लास्ट क्लास में कि कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है। बच्चों, कोऑर्डिनेशन मतलब किसी भी वर्क प्लेस में, किसी भी वर्क में, किसी भी काम में जो लोगों का, जो मैनेजमेंट का एक दूसरे के, जो लोगों का आपस में जो इंटरडिपेंडेंस होता है उसे कहा जाता है। वो इंटरडिपेंडेंस को हम कितने अच्छे से मैनेज करते हैं उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। चलिए, ये मीनिंग आई होप आप में से सबको क्लियर था। उसके बाद हमने देखे थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, एंड कोऑपरेशन जो होता है वो दैट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है ग्रुप एफर्ट्स, और विलिंग कोऑपरेशन जो होता है वो विलिंगनेस होता है। ठीक है, इस तरह से हमने देखे थे कि कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑफिशियली ऑब्टेंड होता है, कोऑपरेशन जो होता है वो वॉलेंटरी सर्विस होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हमने इसके अलावा देखे थे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने देखे थे व्हाट आर द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ तक हम लोग का लास्ट सेशन में हो चुका था। यहाँ तक हमारा लास्ट सेशन में स्टूडेंट्स हो चुका था। इसमें इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं फास्ट। फर्स्ट पॉइंट था इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस, स्पेशलाइजेशन, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, टीम वर्क, ह्यूमन रिलेशंस, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट आउटलुक एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारा कंसेप्ट था रिक्विजिट्स ऑफ फॉर एक्सेलेंट कोऑर्डिनेशन, एक एक्सेलेंट कोऑर्डिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है ये हमने देखे थे। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल, क्या आपको सबको पीपीटी विजिबल है एक बार मुझे बता दो, और मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है प्रॉपर। आप सबको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। एक बार मुझे मैसेज करके टेस्ट एक बार मैसेज कर दीजिए चैट पे। एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए एनी ऑफ यू।
एक बार मैसेज कर दीजिए। ओके, चलिए अभी स्टूडेंट्स लोग का मुझे मैसेज आ गया है कि हाँ आवाज़ आ रही है। स्टूडेंट्स मुझे टाइम टू टाइम बीच बीच में आप थोड़ा सा चैट पे मैसेज कर दिया कीजिए। ओके, नाउ इट्स ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो शुरू था स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में रिक्विजिट्स फॉर एक्सेलेंट कोऑर्डिनेशन देखे थे, जिसमें हमने देखे थे कि गुड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो क्या करता है, वो प्रॉब्लम अगर कोई भी अराइज होती है हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो एक्सेलेंट कोऑर्डिनेशन होता है, एक्सेलेंट कोऑर्डिनेशन क्या करता है, प्रॉब्लम अराइज होती है तो वो उसको स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर देता है। ठीक है, यानी क्या कि प्रॉब्लम कभी अराइज ही नहीं होगी, फ्रॉम द स्टार्टिंग ही हमने उसको, प्रॉब्लम होने के बाद उसको सॉल्व नहीं कर रहे, होने के पहले ही हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेलेंट कोऑर्डिनेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है जो हमने डिस्कस किए थे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अर्ली स्टार्ट, आपका जो भी काम है वो, जो भी कोऑर्डिनेशन है वो जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार मिल रहे हैं। डायनामिज़म, यानी आपके जो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, वो एनर्जेटिक होनी चाहिए। वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है आपका वो एनर्जेटिक होना चाहिए, सो दैट एम्प्लॉयज़ को भी ये फील हो कि हाँ अगर दे हैव एनी टाइप ऑफ इश्यूज़ और एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स तो हमारे जो सीनियर मैनेजर है या हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट है वो हमको उसके सॉल्यूशंस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आपका जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्लियर कट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंप्लीफाइड होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये हम लोग ने लास्ट टॉपिक में पढ़े थे जब हमने ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है। देन क्लियर डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्लियर होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ में हमने कल डेप्थ में इसके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन, सुपरविजन और लीडरशिप जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक में, जो आज हमको कोऑर्डिनेशन एनी हाउ कम्प्लीट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो साथ में मुझे आप लोग का कोऑपरेशन भी चाहिए, तो मुझे बीच बीच में आप लोग मैसेज करते रहिएगा अगर कोई भी इशू आता है तो, और कुछ नहीं समझता है तो भी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेशन में भी कोऑर्डिनेशन को बहुत अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से टाइप्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन एंड प्रोसीड्यूरल एंड सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मेनली देयर आर थ्री टाइप्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, प्रोसीड्यूरल और सब्सटेंटिव। अब एक एक करके हम लोग इसके जो पॉइंट्स है उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट इज इंटरनल कोऑर्डिनेशन, इंटरनल कोऑर्डिनेशन क्या है। देखो, इट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप अमंग द मैनेजर्स, इट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप अमंग द मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, डिविजन, सब डिविजन्स एंड अदर वर्कर्स। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर ही जो लोग हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे कहा जाता है इंटरनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जैसे अगर मैं हमारे कॉलेज का एग्जांपल लेती हूँ तो कॉलेज में प्रिंसिपल सर, HODs, टीचर्स, फिर अटेंडेंट्स, ठीक है, इस तरह से लैब अटेंडेंट्स, इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना वर्क के लिए, दे आर ऑल डिपेंडेंट इन सम वे और द अदर ऑन ईच अदर। तो एक दूसरे के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंसी होती है या एक दूसरे के साथ जो मिलके वो काम करते हैं, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ इंटरनल कोऑर्डिनेशन। वो जो होता है वो होता है इंटरनल कोऑर्डिनेशन। यानी इन शॉर्ट आप ध्यान रखना कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोग हैं इन सब के आपस में जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज़ नोन एज इंटरनल कोऑर्डिनेशन।
ठीक है. नाउ दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन हैपन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेरियल फंक्शन विच रिक्वायर्स. अब इस टाइप के इंटरनल कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या क्या आता है? प्लानिंग, आपको पता है प्लानिंग जब हम लोग करते हैं, हमने प्लानिंग टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं. और प्लानिंग जब हम करते हैं तो हम किन के साथ प्लानिंग करते हैं? हम प्लानिंग करते हैं हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनके साथ, ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग भी ऑब्वियस है, ये भी इंटरनल वर्क है, ये बाहर के लोग ऑर्गेनाइजिंग नहीं करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही ऑर्गेनाइजिंग करेंगे. स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं ये सब पॉसिबल है ओनली विद द हेल्प ऑफ इंटरनल कोऑर्डिनेशन. आपस में मिलके, आपस में बात करके, आपस के सब लोगों के कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये सारी चीज़ें जो है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाता है. आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर होगा, ठीक है. चलिए अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज, अगर यहाँ पे किसी को, अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे चैट पे मैसेज करके पूछ सकते हो स्टूडेंट्स, मैं वो ज़रूर आपको क्लियर कर दूंगी. नेक्स्ट इज हॉरिजेंटल. लेकिन हॉरिजेंटल के पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन क्या है. इंटरनल तो समझ में आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर हो रहा है ये जो सारी चीज़ें, दिस इज द इंटरनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है. नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल? देखो एक्सटर्नल वर्ड से ही समझ में आता है, एक्सटर्नल वर्ड से समझ में आता है कि बाहर वाला, ठीक है. इंटरनल यानी अंदर, एक्सटर्नल यानी बाहर. तो बाहर वालों के साथ जो आपका कोऑर्डिनेशन होगा दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन. अब ये क्या होता है देखते हैं. देखो इट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, डिविजन्स, सब डिविजन्स एंड अदर वर्कर्स विद द जनरल पब्लिक एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. देखो ये क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स हैं, हमारे डिविजनल हेड्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, उनका जो बाहर वालों के साथ जो रिलेशनशिप बनती है या रिलेशनशिप वो स्टैब्लिश करते हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, ठीक है. कैसे? जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि हमारा कोई शॉपिंग मॉल है या हमारा कोई एक शॉप है, ठीक है. वो शॉप में हमारा एक मैनेजर जो है वो उस शॉप पर बैठा होता है और उसके अलावा वहाँ पे कुछ हमारे सेल्स पर्सन है जो काम करते हैं. तो जो सेल्स पर्सन, अब जो कस्टमर्स है वो आपकी दुकान में आएंगे, दुकान में जब वो आ रहे हैं तो दुकान में जब हमारे कस्टमर्स आते हैं तो सबसे पहले तो सेल्स पर्सन के साथ उनका बातें होती है, कम्युनिकेशन होती है. तो उससे क्या होता है कि आपका एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, उससे हमको पता चलता है कि लोगों की डिमांड क्या है, कस्टमर की मार्केट में डिमांड क्या है. उस हिसाब से फिर आप इंटरनली अपने ऑर्गेनाइजेशन को वो चीज़ कन्वे करते हो कि नहीं आजकल ये फैशन में है या लोगों की इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है. तो फिर वही चीज़ें हम लोग मार्केट में लेके आते हैं सो दैट हमारा जो सेल है वो इम्प्रूव हो और हम लोग हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाए. तो एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन का इन शॉर्ट समझना है तो क्या है, इंटरनल लोगों का एक्सटर्नल लोगों के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है. देखो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं वो इंटरनल हो गए और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी बाहर के लोग हो गए वो एक्सटर्नल हो गए. तो अब जब इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप स्टैब्लिशमेंट होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, ठीक है. और इंटरनल क्या है बच्चों? इंटरनल मतलब ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1, 2, 3, 4 ऐसे कई लोग काम कर रहे हैं और इनका जो आपस में कोऑर्डिनेशन है उसे कहेंगे हम लोग इंटरनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है. देखिए अब इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया. नाउ नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन. नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन? हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन क्या बोलता है? इट रेफर्स बिटवीन द पर्सन ऑफ द सेम स्टेटस. सेम स्टेटस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, यानी क्या, जैसे ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है. तो ये जो सारे डिपार्टमेंट के हेड हैं, इनका, ये सब हेड का, ठीक है, ये मैं यहाँ पे एच भी लिख देती हूँ, ये सब के जो हेड है इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है, यानी एक हेड का दूसरे हेड से कोऑर्डिनेशन या एक मैनेजर का दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से जो कोऑर्डिनेशन होता है उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन.
क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई सुपीरियर या कोई उसके नीचे कोई मैनेजर और कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं है, ये सब मैनेजर्स हैं या ये सारे के सारे सुपरवाइजर्स हैं, ये सारे एक लेवल के लोग हैं, मतलब इनको सबको एक लेवल में डेजिग्नेटेड हैं ये। तो ऐसे लोगों का जब आपस में कोऑर्डिनेशन होता है तो उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। देखो अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दिए, जैसे डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, कोवर्कर्स हो गए, ठीक है। जैसे हम अगर मैं कॉलेज में एग्जांपल दूँ तो एक जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी हो गए और मैथ्स डिपार्टमेंट के एचओडी हो गए, तो ये दोनों भी एचओडी है। अगर ये दोनों आपस में किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन करते हैं तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। लाइकवाइज अगर हम लोग, अब मैं आपके टीचर्स का एग्जाम्पल देती हूँ कि अब बीसीसी डिपार्टमेंट में जो भी टीचर्स होंगे, तो जैसे मैं एक टीचर हूँ और दूसरा कोई एक टीचर है, तो हमारे आपस में जो कोऑर्डिनेशन होगा दैट इज ऑल्सो अ हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हमारा डेजिग्नेशन जो है वो सेम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट इज आप मुझे टेस्ट करते जाइए, मैं बीच बीच में आपका मैसेज देखती हूँ। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझा है तो डेफिनेटली आई विल गोइंग टू रिपीट दैट पॉइंट। चलो देखते हैं, नेक्स्ट इज वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। नाउ व्हाट इज वर्टिकल कोऑर्डिनेशन? वर्टिकल कोऑर्डिनेशन क्या होगा? सुपीरियर कोऑर्डिनेट हिज वर्क विथ हिज सबऑर्डिनेट्स एंड वाइस वर्सा। जब सुपीरियर अपने सब काम के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं तो उसे कहते हैं वर्टिकल, यानी सिर्फ सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ नहीं, सबऑर्डिनेट भी सुपीरियर के साथ। देखो ये सुपरवाइजर्स है, ठीक है, और नीचे हैं हमारे वर्कर्स। तो जब सुपरवाइजर्स वर्कर्स के साथ किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन करते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ वर्क रिलेटेड, तो इसे कहा जाता है वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे, ज़रूरी नहीं है ऊपर से नीचे, वर्कर्स को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन कॉन्टैक्ट टू देयर सुपीरियर्स, ठीक है, उनके जो सुपरवाइजर्स है या उनसे ऊपर जो लोग हैं उनसे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में, उस केस में भी क्या पॉसिबल है, उस केस में भी ऐसे जो कोऑर्डिनेशन होते हैं उसे कहते हैं हम लोग वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्लियर है सबको? नाउ नेक्स्ट, चलिए अब इंटरनल और एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन आपको समझ चुका है, और लाइकवाइज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेशन भी आपको क्लियर होगा। ध्यान रखना इंटरनल यानी अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल में जो काम कर रहे हैं, अंदर जो काम कर रहे हैं उनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन होगा वो इंटरनल कोऑर्डिनेशन, एक्सटर्नल यानी अंदर वालों का बाहर वालों के साथ जब कोऑर्डिनेशन होगा, यानी आप एक एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हो बच्चों कि घर में, आपके घर में जो फैमिली मेंबर्स के साथ आप लोग कोऑर्डिनेट करते हो दैट इज इंटरनल, और अगर आप अपने पड़ोसियों के साथ, अपने नेबर्स के साथ जो कोऑर्डिनेट कर रहे हो या अपने फ्रेंड्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हो दैट विल द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। नाउ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का अगर आप एग्जांपल लोगे तो जैसे अगर हम बोल सकते घर पे कि पापा और मम्मी के बीच में अगर कोई कोऑर्डिनेशन है तो दैट इज हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि दोनों का स्टेटस जो है वो सेम है। लेकिन अगर पेरेंट्स बच्चों को कोई चीज़ बताते हैं या बच्चे पेरेंट्स के साथ किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे जो इसका लास्ट टाइप है, दैट इज प्रोसीड्यूरल एंड सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन। नाउ व्हाट इज प्रोसीड्यूरल कोऑर्डिनेशन? अब ये क्या होता है प्रोसीड्यूरल कोऑर्डिनेशन, मतलब क्या होता है? देखो इट मीन्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट्सेल्फ, दैट इज द जनरलाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर्स एंड रिलेशनशिप ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशेज द लाइन्स ऑफ अथॉरिटी। और सब्सटेंटिव मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी आगे का हम दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन मीन्स इट इज़ कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन्स एक्टिविटीज़। देखो सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन क्या है पहले वो समझ लो। सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कोई इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मेजर और सब बहुत ही बड़ा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इट इज़ कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। ये आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी का जो कंटेंट है उससे कंसर्न करता है। एंड व्हाट इज़ प्रोसीड्यूरल कोऑर्डिनेशन?
procedural coordination means the specification of the organization itself, that is the generalized description. अब procedural का मतलब क्या है? देखो, procedural का मतलब क्या है? procedural coordination का मतलब होता है official way of doing something. कोई काम को अगर आप ऑफिशियली करते हो, ऑफिशियली जो तरीका आपको बताया गया है उस तरीके से किए हुए काम को कहा जाता है प्रोसीड्यूरल. ठीक है, प्रोसीड्यूरल का मतलब होता है ऑफिशियली जो काम आपको वे बताया गया है काम करने का वो. सब्सटेंटिव का मतलब मैंने आपको क्या बताई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा. इट इज़ एन ऑटोमोबाइल फैक्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन. देखो, एक एग्जाम्पल दिया है कि एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है जहाँ पे एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज एन एस्पेक्ट ऑफ प्रोसीड्यूरल कोऑर्डिनेशन. ठीक है, व्हाइल ब्लूप्रिंट्स फॉर द इंजन ब्लॉक ऑफ द कार बीइंग मैन्युफैक्चर्ड आर एन एस्पेक्ट ऑफ सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन. यानी क्या, देखो, एक अगर एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है वहाँ हुआ होता है, वो एग्जाम्पल होता है प्रोसीड्यूरल कोऑर्डिनेशन का. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है ना, वहाँ पे पता होता है कि किसको क्या काम करना है, किसके बाद कौन सा स्टेप करना है, क्या काम है. तो वो क्या है, मैंने प्रोसीड्यूरल का मतलब क्या बताई थी आपको, ऑफिशियल वे ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ भी काम करने का जो ऑफिशियल तरीका है. तो क्या होता है, किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है तो उसके जो एस्पेक्ट होते हैं दैट इज़ प्रोसीड्यूरल कोऑर्डिनेशन, और वाइल ब्लू एस्पेक्ट होते हैं दैट इज़ प्रोसीड्यूरल कोऑर्डिनेशन, और वाइल ब्लू प्रिंट्स फॉर द इंजन ब्लॉक ऑफ द कार बींग मैन्युफैक्चर्ड आर, यानी कोई कार है जो मैन्युफैक्चर हो रही है उसके इंजन के लिए जो हमने ब्लू प्रिंट्स बना के रखे हैं उसे कहा जाता है, या ब्लू प्रिंट्स बनाए जाते हैं उसे, वो जो है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कार, अगर आप एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर अगर आप कोई कार बना रहे हो तो वो कार का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इंजन. ठीक है, तो इंजन आपका जितना परफेक्ट और जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपका कार का सेल भी बढ़ेगा. ठीक है, उसी के ऊपर आपकी कार की लाइफ और उसका परफॉर्मेंस मैटर करता है, डिपेंड करता है. तो वही उन्होंने बताए हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ प्रोसीड्यूरल कोऑर्डिनेशन, और जो ब्लू प्रिंट बना कर रहे हो आप, बना रहे हो अपने कार के लिए, उसके इंजन के लिए, वो है सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि यस मैम इट इज ऑल क्लियर टू यू. चलिए, नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. अब व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की टेक्निक्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. देखो, टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज साउंड प्लानिंग, सिंप्लीफाइड ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन बाय कमिटीज. स्टूडेंट्स यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं है? देखिए, नाउ व्हाट इज साउंड प्लानिंग. साउंड प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज द आइडियल स्टेज फॉर कोऑर्डिनेशन. क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स, हार्मोनाइज पॉलिसीज एंड यूनिफाइड प्रोसीजर्स एंड रूल्स एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन. देखो, प्लानिंग क्या है ये ऑलरेडी हमने जब से मैनेजमेंट स्टार्ट किए हैं टॉपिक तब से हम लोग देख ही रहे हैं कि प्लानिंग होता क्या है. और ये आपको पता है कि प्लानिंग हर एक स्टेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि कोऑर्डिनेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो होता है प्लानिंग. आपने
कितना अच्छा प्लान कर रहे हो उतना अच्छा आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो प्लानिंग इज़ द आइडियल स्टेज फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए जो सबसे मेन स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, आइडियल स्टेज है, दैट इज़ प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स, हार्मोनाइज्ड पॉलिसीज एंड यूनिफाइड प्रोसीजर्स एंड रूल्स एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है जब आप प्लान कर रहे हो तो वहाँ पे आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपके क्लियर होने चाहिए, आपकी जो पॉलिसीज़ है वो हार्मोनाइज्ड होनी चाहिए, सबके लिए इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई लोगों के लिए साथ आप पार्शलाइज कर रहे हो कुछ भी पॉलिसीज़ या रूल्स और रेगुलेशंस, ऐसे नहीं, सबके लिए सेम होना चाहिए, यूनिफाइड प्रोसीजर्स होना चाहिए। और साथ साथ में आपका जो पॉलिसीज़ है, आपका जो प्लानिंग है वो किस टाइप के होने चाहिए कि आपके वो सारे रूल्स रेगुलेशंस क्या इंश्योर करे, वो इंश्योर करे कि आपका जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक्शन जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइड ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, वो सिंप्लीफाइड होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाते समय भी बताई थी कि जितना सिंपल और साउंड होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन उतना ही वहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो होता है वो उतना ही इजीली हो पाता है, वहाँ पे काम उतना ही इजीली हो पाता है। क्लियर कट अथॉरिटी रिलेशनशिप हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे ये हमने लास्ट इसमें भी डिस्कस किए थे कि जो अथॉरिटी रिलेशनशिप है वो क्लियर होनी चाहिए, उससे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस कम होते हैं और लोगों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पता होती है। ठीक है, यानी हर एक को पता होना चाहिए कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किसके पास और उनके पास क्या क्या अथॉरिटीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेशन बाय कमिटीज़। अब ये क्या है, कमिटी इज़ अ बॉडी ऑफ पर्सन्स इंटरेस्टेड विथ डिस्चार्ज ऑफ सम फंक्शंस कलेक्टिवली एज अ ग्रुप, इट इज़ सिग्निफिकेंट इन अचीविंग हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन। कमिटी एंश्योर्स दैट प्रॉब्लम्स विच अराइज आउट ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस यूनिट्स कैन बी सॉल्व बाय ग्रुप डिसीजंस। देखो क्या होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन के साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमिटी होनी चाहिए जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो जिनको सारी जो चीज़ें हैं, जो सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें उनको पता हो और उन लोग वो सारे जो काम हैं उसको प्रॉपरली करें। ठीक है, इट इज़ सिग्निफिकेंट इन अचीविंग, यानी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन को अचीव करने के लिए, हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन के केस में। साथ साथ कमिटी जो होती है वो एंश्योर करती है कि किसी भी प्रकार का कोई भी अगर प्रॉब्लम अराइज होता है, इन केस किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम अराइज होता है आपस में, तो उस केस में उन लोग उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर लें, क्योंकि अगर प्रॉब्लम वहाँ रहेगा तो आप जानते हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगी तो इनकोऑपरेशन बढ़ेगा, इनकोऑपरेशन रहेगा तो आपको पता है जब कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन ही नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेरियस यूनिट्स और बाय टेकिंग अ ग्रुप डिस्कशन, यानी जो भी दो पार्टीज़ है, जो भी दो ग्रुप्स है उनके बीच में अगर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई लग रहा है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो उस केस में उन लोगों के बीच में आपस में बिठा के उनसे ग्रुप में डिस्कशन करके वो प्रॉब्लम्स को वो ख़त्म करने का काम करते हैं। तो अगर आप ये सारी टेक्निक्स यूज़ करते हो, जिसमें से अभी हमने तीन पॉइंट्स देखे कि साउंड प्लानिंग अगर आपकी होती है, आपका ऑर्गेनाइजेशन सिंप्लीफाइड है, साथ साथ में आपका जो कोऑर्डिनेशन बाय कमिटीज़ है वो भी प्रॉपर है, तो आपके केस जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही प्रॉपर चलेगा। चलिए, नेक्स्ट इज सेल्फ कोऑर्डिनेशन। नाउ व्हाट इज सेल्फ कोऑर्डिनेशन, देखिए सेल्फ कोऑर्डिनेशन क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, सेल्फ कोऑर्डिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ modification of functioning of departments in such a way that each department coordinates with other departments, it can be done by horizontal communication. Self-coordination यानी क्या होता है कि आपस में ही हम लोग
अपने आप में भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर सके दूसरों के साथ। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, अगर हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो डिपार्टमेंट्स का जो फंक्शन है उसको हम मॉडिफाई करते हैं, किस तरह से, इन सच अ वे दैट ईच डिपार्टमेंट, दैट ईच डिपार्टमेंट, देखो ये लाइन ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेट्स विद अदर डिपार्टमेंट एंड इट कैन बी डन हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। देखो अगर हर डिपार्टमेंट अपने आप से दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर पाता है, आपका फंक्शनिंग, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना अच्छा होना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट को अगर दूसरे डिपार्टमेंट से कोई काम है और वो उसके साथ ईजीली कोऑर्डिनेट कर पाता है, तो उस केस में जो आपका हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, हॉरिजेंटल इन्हें पता है ना, एक ही लाइन में जो कम्युनिकेशन होता है, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अच्छे से होगा, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा होगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे जो परचेज डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं किससे सबसे ज़्यादा रिलेट करेगा, किससे उसको सबसे ज़्यादा काम पड़ने वाला है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को ही रॉ मटेरियल वगैरह सब चीज़ चाहिए है, तो उनको परचेज डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा काम पड़ने वाला है और परचेज डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा काम पड़ने वाला है। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, देखो आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो परचेज डिपार्टमेंट है वो किसके पास होना चाहिए, वो पास होना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, ठीक है, ताकि वो आपस में भी हॉरिजेंट, उनका जो कम्युनिकेशन है, जो उनका कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर हो पाए। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स आज हमको ये पूरा ख़त्म करना है, तो जितने लोग यहाँ पे अभी प्रेजेंट है वो प्रेजेंट रहो, आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज दिस, आपस में जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, तो ही आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो आपका इफेक्टिव होगा। ओपन एंड रेगुलर कम्युनिकेशन इज द की टू कोऑर्डिनेशन। इफेक्टिव इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन रिजॉल्विंग डिफरेंसेस एंड क्रिएशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी हमें होना चाहिए, ओपन एंड रेगुलर यानी हमेशा आपका आपस में जो है वो आपकी बातचीत होती रहनी चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन में। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उस पर्सन को जानते हैं, उसको जानते हैं तो हम उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि भाई मेरे को इससे बात ही नहीं करना है, मुझे इससे क्या मतलब है, मुझे इससे बात ही नहीं करनी है, तो अगर आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यानी कोऑर्डिनेशन करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इफेक्टिव इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस, देखो सबके, बहुत बार ऐसा होता है कि एक एक एम्प्लॉई, एक वर्कर भी आपको बहुत अच्छा कोई सजेशन या अपना कोई एक ओपिनियन दे सकता है, ठीक है, तो वो कब होगा, कब एक एम्प्लॉई अपने मैनेजर को ओपिनियन देने के लिए हिम्मत कर पाएगा, जब उनके बीच में कम्युनिकेशन वैसा होगा, जब वो वर्कर को पता है कि मैं अगर मेरे मैनेजर को कोई एडवाइस देता हूँ या कोई एक ओपिनियन देता हूँ तो वो उसको पॉजिटिवली लेते हैं, ना कि वो मुझे ऐसा बोल के नहीं भगा देते हैं कि भाई आपको क्या आता है, मैं आपसे ज़्यादा, मुझे ज़्यादा समझता है तो आपको कोई किसी प्रकार का यहाँ पे अपनी ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वहाँ कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ बड़े बड़े इंजीनियर्स फेल हो जाते हैं वहाँ जो वर्कर्स जो हमेशा उस मशीन में काम करते रहते हैं वो वहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं चीज़ों को रिजॉल्व करने में। तो इसीलिए जो आपका कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होनी चाहिए ताकि ओपिनियंस का इंटरचेंज ईजीली हो जाए, साथ साथ में ये जो सारे ओपिनियंस का इंटरचेंज होता है, इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज होता है, आपस में हम बात करते हैं तो डिफरेंसेस कम होते हैं, साथ साथ में आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होती है। इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन एनी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन। जो आपका लीडरशिप और सुपरविजन है वो भी इफेक्टिव होनी चाहिए फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। कैसे, इफेक्टिव लीडरशिप एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन बोथ एट द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन स्टेज। ठीक है, मतलब आपका जो इफेक्टिव लीडरशिप है और सुपरविजन है वो कहाँ कहाँ होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन में तो होना ही चाहिए, साथ साथ में प्लानिंग के स्टेज में भी होना चाहिए और एग्जीक्यूशन के स्टेज में भी होना चाहिए। साउंड लीडरशिप कैन इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट्स, साउंड लीडरशिप कैन इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट्स टू हैव आइडेंटिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड टू अडॉप्ट अ कॉमन आउटलुक।
जितना अच्छा लीडरशिप होगा उतना ही सबॉर्डिनेट्स जो है वो इन्फ्लुएंस होंगे, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे काम करने के लिए और वो आपके साथ मिलके काम करेंगे। नेक्स्ट इज चेन ऑफ कमांड। नाउ चेन ऑफ कमांड, चलो ज़्यादा नहीं बचा है, आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो ही जाएगा। चेन ऑफ कमांड में क्या है, अथॉरिटी इज़ द सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि जो मेन अथॉरिटीज़ है उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है कोऑर्डिनेटिंग का। एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी थ्रू द चेन ऑफ कमांड और हायरार्की इन द ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ द ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमको पता है हायरार्की जो होती है, हायरार्की किसे बोलते हैं, जैसे ये हो गए मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के नीचे आ गए मैनेजर्स, मैनेजर्स के नीचे आ गए सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर्स के नीचे आ गए वर्कर्स, ठीक है। तो इसे कहते हैं हायरार्की। हायरार्की मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा जो बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये तो ट्रेडिशनल तरीका होता है कोऑर्डिनेशन का। तो ये तो चीज़ें होती ही है कि जो मैनेजमेंट मेंबर्स है वो मैनेजर्स को बताएंगे कि भाई उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है थ्रू द एम्प्लॉइज, फिर मैनेजर्स वो काम सुपरवाइजर को बताएगा कि भैया आपको ये काम अपने वर्कर्स से करवा के लेने हैं, फिर सुपरवाइजर वर्कर्स को समझाएगा। तो ये जो है ये होता है चेन ऑफ कमांड। तो ये भी आपके एक प्रॉपर होनी चाहिए सो दैट कोऑर्डिनेशन जो है वो बेस्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडॉक्ट्रिनेशन एंड इंसेंटिव्स। एक मिनट मेरा पॉइंटर का। हाँ, इंडॉक्ट्रिनेशन एंड इंसेंटिव्स मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका सिर्फ एग्जांपल दे दिया प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग यानी देखो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जो भी आप काम करते हो, काम करते समय जिनका भी जो भी लोग सब एफर्ट्स ले रहे हैं उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट शेयरिंग भी दो। जैसे आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में स्पेशली सुने होंगे, अभी तो आप स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल तो उसका एक्सपीरियंस आप लोगों को नहीं होगा, लेकिन आपने सुने होंगे कि मार्केटिंग में या इनफैक्ट अभी तो आईटी डिपार्टमेंट्स में भी ऐसा बहुत कुछ होता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिला या आपको पर्टिकुलर कोई टारगेट दिया जाता है, अगर वो टारगेट आप टाइम के पहले प्रॉपर आपकी टीम वो टारगेट कंप्लीट कर लेती है तो उस केस में आप लोगों को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इंसेंटिव्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेकेशंस, मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर थिंग, कुछ गिफ्ट्स के फॉर्म में भी, किसी भी फॉर्म में वो आपको इंसेंटिव्स दे सकते हैं। तो इंसेंटिव होता क्या है कि आपने जो काम करें, आपने जो काम टाइम के पहले कंप्लीट करे, प्रॉपर टाइम काम किए, मिलकर काम जो आपने कंप्लीट करे उससे कंपनी को प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट है तो कंपनी पूरा अपने पास अकेले नहीं रखेगी, कंपनी वो प्रॉफिट का शेयरिंग आपको भी कुछ देगी। क्यों? क्योंकि आपने भी उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए हो ना, तो उसे कहा जाता है इंसेंटिव। तो वो जो प्रॉफिट जिस टाइप में देती है, जिस फॉर्म में देती है, उसे इंसेंटिव्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइसेंस डिपार्टमेंट्स। नाउ व्हाट इज दिस, लाइसेंस ऑफिसर्स मे बी एम्प्लॉयड वेयर फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स इज नेसेसरी। देखो एक लाइसेंस, जैसे मैंने आपको परचेज डिपार्टमेंट के बारे में बताई, फिर मैंने आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में बताई, लाइक वाइज लाइसेंस डिपार्टमेंट भी एक डिपार्टमेंट होता है। ये जनरली वो ऑर्गेनाइजेशन लाइसेंस डिपार्टमेंट या लाइसेंस ऑफिसर अपॉइंट करते हैं जहाँ पर फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स होते हैं, किनके बीच में, दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के साथ। जब दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के साथ जब कॉन्टैक्ट्स, बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे लाइसेंस ऑफिसर अपॉइंट कर लिया जाता है सो दैट कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। नेक्स्ट इज इन्हें, अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बार बार कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के साथ, तो उस केस में इट इज़ बेटर कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइसेंस डिपार्टमेंट ओपन करके वहाँ पे एक लाइसेंस ऑफिसर अपॉइंट कर लो सो दैट आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा हो। नेक्स्ट इज जनरल स्टाफ एंड कोऑपरेशन। नाउ व्हाट इज दिस, अ जनरल स्टाफ इज़ अ वेरी हेल्पफुल इन अचीविंग इंटर डिपार्टमेंटल और हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन। एक जनरल स्टाफ जो होता है वो इज हेल्पफुल इन अचीविंग इंटर डिपार्टमेंटल और हॉरिजेंटल, इंटर डिपार्टमेंटल और हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन को अचीव करने के लिए ही जनरल डिपार्टमेंट, जनरल स्टाफ यानी क्या, जो बाकी के जो जनरल लोग हैं, जो भी स्टाफ में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो भी एक अच्छा कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन के थ्रू अच्छा कोऑर्डिनेशन प्रिपेयर कर सकते हैं।
Next is voluntary coordination. Voluntary coordination is possible in a climate of dedication and mutual cooperation. यानी voluntary coordination यानी क्या कि जो खुद की इच्छा से हम लोग काम करते हैं, खुद की इच्छा से जो हम लोग कर रहे हैं. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये कहाँ पॉसिबल है, जहाँ जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पूरे डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, वो खुद की इच्छा से काम कर रहे हैं. तो अगर ऐसे लोग आपके यहाँ एम्प्लॉयड हैं, और तो वहाँ पे अपने आप ही क्या होता है, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन क्रिएट होता है, और साथ साथ में वॉलंटरीली वो कोऑर्डिनेट होता है. तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन जो है वो इफेक्टिव होता है. अब यहाँ पे कुछ टेक्निक्स, बेसिक टेक्निक्स बताए हैं. अभी जो हमने इसके पहले देखे स्टूडेंट्स, वो क्या था, पूरा मेन टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या क्या देखे थे. साउंड प्लानिंग होनी चाहिए, सिंप्लीफाइड ऑर्गेनाइजेशन, जितना सिंप्लीफाइड होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है. कोऑर्डिनेशन बाय कमिटीज, देन सेल्फ कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन, चेन ऑफ कमांड, इंडोक्ट्रिनेशन एंड इंसेंटिव्स, लाइसेंस डिपार्टमेंट्स, जनरल स्टाफ और कोऑपरेशन एंड वॉलेंटरी कोऑर्डिनेशन. स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो. उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं. चलिए, नाउ बेसिकली देयर आर टू बेसिक टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेटिंग के दो बेसिक टेक्निक्स है, एक है एक्सट्रिंसिक कोऑर्डिनेशन और एक है इंट्रेंसिक, या उसी को कहा जाता है कॉग्निटिव कोऑर्डिनेशन. नाउ व्हाट इज एक्सट्रेंसिक कोऑर्डिनेशन? एक्सट्रेंसिक कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इज बाय रिलाइंग ऑन इंस्ट्रक्शंस, इंसेंटिव्स एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म. एक्सट्रेंसिक कोऑर्डिनेशन ऐसा होता है जो ज़्यादातर किस पे डिपेंड करता है, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, इंसेंटिव्स के ऊपर और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म. यानी क्या स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर होता है कि जब बड़े हमारे सुपीरियर हमको इंस्ट्रक्शंस देंगे तो हम कोऑर्डिनेशन, उसके बेसिस पे जो कोऑर्डिनेशन होता है, इंसेंटिव्स यानी इंसेंटिव्स के लिए जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म यानी कंटिन्यूस उनके ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही है, उसके थ्रू जो कोऑर्डिनेशन किया जाता है, दैट इज ऑल आर कम अंडर एक्सट्रेंसिक कोऑर्डिनेशन. और इंट्रेंसिक कोऑर्डिनेशन क्या है? इंट्रेंसिक कोऑर्डिनेशन इज बाय अचीविंग अ कॉमनली शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन्स गोल्स एंड प्रोसीजर्स among the members or employees. Intrinsic coordination में क्या होता है कि ये कैसा अचीव किया जाता है, by commonly shared understanding of the organization goals. यानी हमारे organization के जो goal है वो हमने हमारे सारे members और सारे employees के साथ share किए हैं, ठीक है, और उनको सबको हमने ये बताए हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो क्या है. ये हमारे सारे मैनेजर्स को, हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे वर्कर्स को, हमारे मेंबर्स को, सबको पता है. तो जब सबको हमने हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है वो हमने सबको समझा चुके हैं, तो मिलकर फिर उस गोल को अचीव करने के लिए जो काम किया जाता है उसे कहा जाता है इंट्रेंसिक कोऑर्डिनेशन. आई होप स्टूडेंट्स दैट इट विल बी ऑल क्लियर टू यू ऑल. अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे चैट पे पूछ सकते हो. चलिए, नेक्स्ट इज व्हेन एन एंटरप्रेन्योर हायर्स देयर फर्स्ट एम्प्लॉई, ही और शी हैज टू अल्टरनेटिव्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क. देखो, अगर जब भी कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ पे उसको समझने की कोशिश करते हैं. अगर कोई एंटरप्रेन्योर कभी फर्स्ट टाइम किसी एम्प्लॉई को हायर करता है, हम जॉब देते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, तो उस टाइम पे उसके पास दो अल्टरनेटिव्स होते हैं फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क. कौन कौन से? फर्स्ट, ही और शी कैन स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट द एम्प्लॉयज बट अबाउट व्हाट टू डू एंड देन मॉनिटर द एम्प्लॉय. पहला तरीका होता है कि वो उसको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट कर दे एम्प्लॉय को कि आपको क्या काम करना है, और उसको जब बता दिया जाए कि आपको क्या करना है तो उसके बाद उसके ऊपर मॉनिटर करते रहे, मतलब उसको देखते रहे, ध्यान देते रहे. इफ़ मॉनिटरिंग बिकम्स प्रॉब्लमेटिक
द एंटरप्रेन्योर कैन इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स. जब मॉनिटरिंग जो चीज़ होती है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम हर एक के तरफ दिन भर देखते रहें कि भाई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ये काम ही कर रहा है कि या ये आउटपुट के लिए कुछ कर रहा है या नहीं, या हमने जैसे इंस्ट्रक्शन दिए वैसे ही ये काम कर रहा है. कि देखो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में दिस इज़ नॉट अ सिंपल टास्क. बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है कि हर एक के ऊपर आप ध्यान दे पाओ. ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, ऐसे केस में वो क्या करते हैं, वो दूसरा रूल अप्लाई कर लेते हैं, दैट इज़ इम्प्लीमेंट द अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स. द एंटरप्रेन्योर कैन इम्प्लीमेंट द अप्रोप्रिएट इंसेंटिव स्कीम लगा दो. यानी इंसेंटिव यानी क्या, फिर लोग लालच में बराबर काम करते हैं. जैसे मुझे पता है कि अगर मैंने ये पर्टिकुलर जो मेरा टास्क है वो मैंने बिफोर टाइम, मुझे 5 दिन का टाइम दिया गया है, मैंने 4 दिन में वो काम कंप्लीट कर दी, तो मुझे 1000 रुपीज़ ज़्यादा मिल जाएगा एज एन इंसेंटिव, या 5000 रुपीज़ इंसेंटिव मिल जाएंगे. तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, मैं वो 4000 5000 के लालच में वो जो काम है उसके ऊपर जी जान से काम करूँगी. ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे फिर जो एम्प्लॉयर है उसको, एंटरप्रेन्योर जो है उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई लोग बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, तो ये एक तरीका होता है. अल्टरनेटिवली, इसके अलावा अल्टरनेटिवली, शी कैन टेल द एम्प्लॉई द कंपनीज गोल एंड इंस्टिल द एम्प्लॉयज अटैचमेंट टू देम. In fact, entrepreneurs can use such attachment as requirement of employment. देखो इसके अलावा वो ये भी कर सकती है कि वो employee को company के goal के बारे में बता दे, और साथ साथ में उस employee को और company के goal के साथ attachment करवा दे. ठीक है, ऐसा हो सकता है. इन फैक्ट एंटरप्रेन्योर्स कैन यूज सच अटैचमेंट एज रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं इसको एक रिक्वायरमेंट के रूप में डाल देते हैं कि ज़रूरी है कि, जैसे आपने इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं. ठीक है, कि भाई आप 1 साल तक कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते हो, 6 महीने तक नहीं जा सकते, 2 साल तक नहीं जा सकते हो. वो क्या है, ताकि बार बार लोग एम्प्लॉयमेंट जॉब से छोड़े ना. जॉब छोड़ेंगे बार बार तो बार बार उनको कंपनी के गोल के बारे में समझाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको काम के लिए मोटिवेट करना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन. ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा. क्या है डिफ़िकल्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन, इन प्रैक्टिस कोऑर्डिनेशन फेसेस सर्टन प्रॉब्लम्स. दिस इंक्लूड्स, कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं कोऑर्डिनेशन में भी अभी तक हमने देखे कि क्या, कौन से टेक्निक से आप कोऑर्डिनेशन बेस्ट कर सकते हो. नाउ देयर आर सम डिफ़िकल्टीज, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी होती है जिसके कारण आप कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हो. ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, नेचुरल हैंड्रेंसेस यानी नेचुरल इशूज, जैसे कि बैड वेदर, पुअर हेल्थ सिचुएशन. अगर हम किसी के साथ फ़ोन में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या थ्रू मेल कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कुछ प्रकार का नेटवर्क इशू आ जाता है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है. पुअर वेदर कंडीशंस, पुअर हेल्थ सिचुएशंस. ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ड्यू टू कोरोना, हम लोग बाहर जाके काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण भी जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बार प्रॉपर नहीं हो पाता है. नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है नेचुरल इशूज. इनएडिक्वेट और लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी हमारे जो सीनियर्स हैं जिनके पास अथॉरिटी है कि भाई उनको ये सारे काम ऐसे ऐसे करवाने हैं, तो उनके पास अगर टैलेंट लैक ऑफ टैलेंट है, उनके पास ही वो चीज़ का टैलेंट नहीं है कि लोगों को कैसे कोऑर्डिनेट करें. ठीक है, कैसे लोगों को मिल के हम लोग कम्युनिकेट करें, कोऑर्डिनेट करें, तो वो भी उस केस में भी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है. मिसअंडरस्टैंडिंग, आपस में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी तो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा. लैक और इनएडिक्वेट ऑफ टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. टेक्निक्स, अभी जो हमने सारे टेक्निक्स पढ़े, अगर उसमें से कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही प्रॉपर नहीं है, आपने प्रॉपर पहले से प्लानिंग ही नहीं किए उस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं होगा प्रॉपर. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज. कॉम्पिटिशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए अगर आपस में ही आप लोग की कॉम्पिटिशन चलती रहेगी तो भी वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा. थ्रीट्स टू ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी के लिए, ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमी मतलब होता है इंडिपेंडेंस.
ठीक है, इंडिपेंडेंस, अगर आपको किसी प्रकार का कोई अपनी आज़ादी छीनने का डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा कोऑर्डिनेट करूँगा तो मैं मेरे काम की मेरी जो आज़ादी है वो ख़त्म हो जाएगी, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, तो ये जो डर होता है लोगों के अंदर उसके कारण भी बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज डिसएग्रीमेंट ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियाज़। जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो आइडियाज़ हैं उसके ऊपर अगर लोग अपनी सहमति ना दिखाएं, वो उस चीज़ से एग्री ना करें, तो भी कोऑर्डिनेट वो नहीं करते। ठीक है, जैसे अगर आपके घर पे आपके मम्मी ने या पापा ने कोई रूल बताया आपको कि भाई आपको इतने ही देर टीवी देखना है या इतने ही टाइम आप गेम खेल सकते हो, तो उस केस में आप क्या करते हो बच्चों, कि हमको वो चीज़ जनरली बच्चों को वो चीज़ पसंद नहीं आती रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो टाइम पे वो उनको कोऑर्डिनेट या उनको कोऑपरेट करने के मूड में नहीं होते। तो ध्यान रखिए कि अगर ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें सज्जन सहमत नहीं होंगे तो वहाँ पे भी डिसएग्रीमेंट होता है और उसके वजह से भी कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट इज डिफरिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी सभी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अलग अलग होते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन, तो जब सबके एक्सपेक्टेशन से अलग अलग है तो अगेन उन लोगों का जो विचार है वो एक पॉइंट में आके नहीं मिलने के कारण वहाँ पे मतभेद होते हैं और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रस्ट, आपस में अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन है। मैं सोचूंगी कि मैंने मेरे सुपरवाइज़र को ये बात बताई तो मेरी कुछ प्रॉब्लम बताई तो वो कहीं जाके मैनेजर से मेरी कंप्लेंट ना कर दे और मैनेजर मुझे कहीं जॉब से निकाल ना दे। ठीक है, तो अगर ऐसा रिलेशनशिप होगा, आपस में ट्रस्ट नहीं होगा, तो उस केस में भी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, मैं अपनी प्रॉब्लम कभी अपने सुपरवाइज़र को बताऊंगी नहीं, काम गलत हो रहा है होने दो, मशीन में प्रॉब्लम आ रही है आने दो, बट मैं अगर बताऊंगी तो मेरा इमेज ख़राब होगा, तो मेरी जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा थिंकिंग रहा, अगर ऐसी सीन रहा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है और ना ही कोऑर्डिनेशन फ्रूटफुल होगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट और बेनिफिट परसीव्ड एज अनसेटिस्फैक्ट्री। जो आपका कॉस्ट या बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है ना, आप जो काम कर रहे हो उसके बदले में जो आपको सैलरी मिलती है या किसी प्रकार का इंसेंटिव मिलता है, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अरे यार इतना काम करने के बाद भी इतना ही इंसेंटिव देने वाले जाने तो ना, कौन करेगा ज़्यादा का काम। अगर ऐसा सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन में तो भी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। एंड लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रैपिड स्टाफ टर्नओवर। रैपिड स्टाफ टर्नओवर यानी क्या है स्टूडेंट्स, रैपिड स्टाफ टर्नओवर मतलब वो पॉइंट जहाँ जो स्टाफ है वो बार बार चेंज होते रहता है, यानी जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो बार बार चेंज होते जाते हैं, वो बार बार चीज़ें आपका जॉब छोड़ रहे हैं, वो आते हैं कुछ टाइम काम करते हैं और चले जाते हैं, ऐसे केस में भी कोऑर्डिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आज का जो सेशन है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो अभी भी, या बाद में भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय।